नमस्कार, तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जब भी मिला मौका उन्होंने काम किया ऐसा कि सबको दिया चौका. मतलब उन्होंने जब भी उन्हें मौका दिया जाता है तो वो प्रूव करती है, चाहे फील्ड कोई भी हो, उनका डिवोशन, उनका डेडिकेशन 100% रहता है. इसलिए वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, जिस फील्ड में भी उन्हें मौका दिया जाता है वो बेस्ट करती हैं. तो मैं मानती हूँ कि महिला एक नाजुक पौधे की तरह होती है क्योंकि वो कोमल और कमज़ोर है बाई नेचर. लेकिन जब भी उन्हें मौका दिया जाता है तो वो अपने आप को प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ती. तो वो छू सकती है आकाश, बस उसे एक मौके की है तलाश. तो ऐसे अवसर जब प्रोत्साहन पुरस्कार मिलते हैं तो उन्हें वो मौका मिलता है और आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन मिलता है उन्हें कि हमें भी कुछ करना चाहिए. उनको देखकर और चार को मिलता है. तो इस तरह से इसका एक रैपिड फायर इफेक्ट होता है जिससे बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है. महिला तो सभी क्षेत्र में आगे है. अभी आपने देखा किसी भी क्षेत्र महिलाओं ने नहीं छोड़ा है. जो भी है महिला आगे चलती जा रही है. और इसीलिए कोई भी एक महिला हो तो वो जब शिक्षित होती है तो पूरा उसका कुटुंब जो है वो शिक्षित हो जाता है और इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ सकता है. तो इसीलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए. और जैसे कि हम आज हमारा सम्मान किया है, हमसे प्रेरणा लेके और भी महिलाएं कुछ काम करना चाहेंगे कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं. थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन थोड़े से ही आगे बढ़ते जाते हैं और उसी से दूसरों को भी स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है. और एक बात तो यह है कि जब तक महिला पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर आगे नहीं चलती है तब तक कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानती हूँ. इसीलिए महिलाओं को अपने तरीके से, अपने हिसाब से जो भी काम वो करना चाहती है वो करना चाहिए. और जैसे इन्होंने कहा कि महिला तो परफेक्ट ही होती है किसी भी काम को, क्योंकि वो अपना तन मन डाल के वो काम करती है. ऐसा नहीं कि काम करना है इसलिए करना है, वो अपना काम अपने पूरे मन से करती है, लगन से करती है. इसीलिए सभी महिलाओं को आज के दिन जैसे सम्मानित किया है उसी तरह से प्रेरणा मिलकर वो भी अपना काम आगे करना चाहेंगे, चाहती है. सक्षम सामाजिक महिला संस्थेच्या वतीने आणि युवा आधार फाउंडेशनच्या वतीने आज या ठिकाणी जागतिक महिला दिनाचं आयोजन केलेलं आहे. या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आहे. आणि महिला दिनाच्या वतीने या संस्थेकडून कर्तृत्ववान महिलांचा सत्कार करण्यात आला, त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला, ही बाब अतिशय उल्लेखनीय आहे. शुभेच्छा देते. आज आंबेडकर गार्डन असू दे, डायमंड गार्डन असू दे, सिटीचं गार्डन असू दे, गार्डन्सला जाऊन मी ज्येष्ठ नागरिक महिलांना आणि सर्व नॉर्मल महिला ज्याही रोजच्या असतात की आपण चुलमुल पाहतो, पण आज चुलमुल पाहता सुद्धा महिला खूप 50%च्या बाहेर पडलेल्या आहेत. तर सर्वांचा मी सत्कार केलेला आहे, कारण त्यांना प्रोत्साहन दिल्याच्या नंतर त्या महिला ज्या जागृत होतात त्याच्यामधून आपला देश आणखी विकास होतो.